चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर वन ऑफ आईबीसी 2016। शुरू करने से पहले हम ये समझते हैं कि आईबीसी 2016 आया क्यों, उसके आने का कारण क्या था। देखिए, एक ना वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसकी रिपोर्ट होती है। इसकी क्या होती है? रिपोर्ट होती है, इसका एक इंडेक्स होता है। 2014 में जो इंडिया की रैंक थी ना, आउट ऑफ 190 कंट्रीज, 190 कंट्रीज में से इंडिया की रैंक थी 142। इंडिया की रैंक कितनी थी? 142। और 2022 में इंडिया की रैंक कितनी है? 63rd। इंडिया की 63rd रैंक है इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में आज के टाइम पे। तो ये सब किस बदौलत? क्योंकि एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये हमारे देश में मिशन चला हुआ है, इसकी बदौलत है ये। अब क्या होता है ना कि रैंक कैसे डिसाइड होती है, किसी भी कंट्री में जो उसके लॉज होते हैं ना, वो अगर एज़ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बने हों, एज़ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बने हों, तो कंपनीज को, कॉरपोरेट्स को जो वर्ल्ड वाइड काम करती हैं, उनको काम करना आसान हो जाता है आपके देश में। अगर आपके लॉज कंप्लाई करना बहुत मुश्किल होंगे और ऐसे प्रिंसिपल्स भी बने होंगे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अगेंस्ट हैं, तो उस कंट्री में ना काम करना मुश्किल हो जाता है। अब ऐसा क्यों था ये समझते हैं, हमारी कंट्री इतनी पीछे क्यों थी ये समझते हैं। देखो, 1991 में हमारी कंट्री में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, हमारी कंट्री एक ओपन इकोनॉमी बन गई ड्यू टू LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसको हमने क्या बोला कि अब कंपनीज को राइट टू एंट्री मिल गया हमारे देश में। क्या मिल गया? राइट टू एंट्री मिल गया, आप हमारे देश में आके काम कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। 2002 में कौन सा एक्ट आया? कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। इस एक्ट के आने से पहले क्या बोला जाता था कि डोमिनेंट पोजीशन इज बैड, पर इस एक्ट के आने के बाद ये पर्सपेक्टिव चेंज हुआ और बोला गया कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन इज बैड। इस एक्ट के आने पे क्या मिला कंपनीज को? राइट टू कंपीट। अगर कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन होगा तो लोगों को अच्छे प्रोडक्ट्स एक अच्छी वैल्यू पे मिलेंगे, फेयर प्राइस पे मिलेंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट्स। कमी थी तो एक चीज की उसका नाम है राइट टू एग्जिट। राइट टू एग्जिट, अगर किसी कॉरपोरेट का क्या हुआ, बिजनेस नहीं चला, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा, तो उसको एग्जिट लेना ना बड़ा मुश्किल था, एग्जिट लेना बड़ा मुश्किल था और बहुत साल लग जाते थे उसको अपनी लिक्विडेशन और इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में, लिक्विडेशन या इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में उसको सालों साल लग जाते थे। साथ में जिनका पैसा था, जो पैसा देते थे, उनका फंड्स भी, उसका मनी भी ब्लॉक होया रहता था उतने टाइम तक। साथ ही साथ जो रिकवरी, एक तो रिकवरी टाइम ज्यादा था और रिकवरी रेट कम था। तो एक नीड थी ऐसे कानून की
नीड थी एक ऐसे लॉ की जो कि एक तो स्पीडी रिकवरी करा पाए, दूसरा रिकवरी रेट अच्छा हो, और तीसरा एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी ना थोड़ी इजी हो, इजी एग्जिट हो। तो इस वजह से रोल में आया एक कानून बना आईबीसी 2016। आईबीसी 2016 के आने से पहले भी, आईबीसी 2016 के आने से पहले भी ऐसे कानून थे, ऐसे कानून थे जो इंसॉल्वेंसी से डील करते थे, ऐसे कानून थे जो इंसॉल्वेंसी से डील करते थे। बट ये कानून क्या थे, मल्टीपल लॉज थे। उसके साथ उनकी मल्टीपल अथॉरिटीज थी, और एक पर्सपेक्टिव ये था, और एक पर्सपेक्टिव ये था कि अगर कोई कॉर्पोरेट कंपनी पैसे नहीं दे पा रही ना, तो उसको क्या करा दो, वाइंडिंग करा दो। ये पर्सपेक्टिव आज के टाइम पे चेंज हो गया है। आईबीसी कहता है कि जिस जो कंपनी पैसे नहीं दे पा रही ना, उसको पहले करो ट्राई रिवाइव करने की, उसको रिवाइव करने की ट्राई करो, अगर वो रिवाइव नहीं हो पाती तो उसका वाइंडिंग अप करा दो, तो उसका क्या करा दो, वाइंडिंग अप करा दो। तो इसलिए ये लॉ को, इस कोड को आईबीसी को लाया किया। अब आप सोचेंगे कि ए इसका नाम एक्ट क्यों नहीं है, इसका नाम कोड क्यों है, कोड क्यों रखा, एक्ट क्यों नहीं। कोड क्या होता है ना, एक कंपाइल करके बनाया जाता है लॉज को। ये क्या है, बहुत सारे लॉज को कंपाइल करके बनाया गया, इंसॉल्वेंसी लॉज को। ये क्या है, कंपीडियन में है, क्या ये कंपीडियम है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ लॉज है, क्या है ये, कलेक्शन ऑफ लॉज। इसलिए इसको कोड कहा गया है, ना कि एक्ट, इसलिए इसको कोड कहा गया है। इसमें बहुत सारे लॉज को कंसोलिडेट किया गया है। इसलिए इसको कोड कहा गया है। साथ ही साथ कोड वर्ड क्या है, एक ब्रॉडर टर्म है। कोड क्या है, एक ब्रॉडर टर्म है। आगे चलते हैं। अब ये समझते हैं कि आईबीसी के आने से पहले, आईबीसी के आने से पहले कौन कौन से कानून थे, कौन कौन से कानून थे। क्या बताया अभी मैंने कि ये कंसोलिडेट करके बनाया गया है इंसॉल्वेंसी लॉज को। तो कौन कौन से कानून थे आईबीसी से पहले, कैसे इंसॉल्वेंसी डील होता था। इंसॉल्वेंसी के आने से पहले कौन से कानून थे वो लिख लो। सबसे पहले था प्रेजिडेंसी टाउन, प्रेजिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1908 या 1909। इसके बाद कौन सा कानून आया, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920। इसके बाद आया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके बाद आया कंपनीज एक्ट 1956। ये सारे कानून में कहीं ना कहीं इंसॉल्वेंसी के बारे में गिवन था। इसके बाद आया सिक्का 1985, सिक्का 1985। इसमें क्या था, रिवाइवल ऑफ सिख इंडस्ट्रियल कंपनीज था। क्या होता था इसमें, रिवाइवल ऑफ सिख इंडस्ट्रियल कंपनी। इसके बाद हमारा आया डीआरटी,
रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट। इसके बाद आया हमारा सारफेसी, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। उसके बाद आया हमारा कंपनीज एक्ट 2013 और फाइनली हमारा आया आईबीसी 2016। ये अप्रॉक्सीमेटली 100 ईयर्स की जर्नी है। कितने ईयर्स की जर्नी है? अप्रॉक्सीमेटली 100 ईयर्स की जर्नी है ये। अब समझते हैं कि कुछ ये सारे कानून थे इसके आने से पहले, आईबीसी के आने से पहले। आईबीसी के आने के बाद 11 एक्ट्स में अमेंडमेंट हुई और दो लॉज तो रिपील ही हो गए, दो एक्ट्स तो रिपील ही हो गए, प्रेसिडेंसी टाउन्स एक्ट और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट, ये दो तो रिपील ही हो गए और 11 एक्ट्स में क्या आया, अमेंडमेंट आई। लिखो, सबसे पहले आया कंपनीज एक्ट 1956 कॉरपोरेट्स के लिए। इसमें क्या था ना कि कंपल्सरी वाइंडिंग अप होता था, वॉलंटरी वाइंडिंग अप होता था, इसके बाद आया सिक्का। सिक्का कहता कि हम क्या करेंगे, रिवाइवल ऑफ सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज। पर जो सिक्का था ना, ये ना तो ट्रेडिंग कंपनी के रिवाइवल के बात करता था, ना सर्विस कंपनी के रिवाइवल के लिए बात करता था, और ना ही अदर एक्टिविटीज जो कंपनी करती थी उनके रिवाइवल के बारे में बात करता था। तो इसमें अथॉरिटीज दो थी, बाइफर और आईफर। उसके बाद आया हमारा कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 में आपके कंपल्सरी वाइंडिंग अप के, वॉलंटरी वाइंडिंग अप के प्रोविजन आए, कंपल्सरी वाइंडिंग अप के प्रोविजन आए और रिवाइवल के प्रोविजन आए। ये सेक्शंस बात करते थे वॉलंटरी वाइंडिंग अप की, ये आपके बात करते थे कंपल्सरी वाइंडिंग अप के, और रिवाइवल के सेक्शन से 253 से 269। इसके बाद आया हमारा आईबीसी, 2016। ये क्या कहता कि हम वॉलंटरी वाइंडिंग अप कराएंगे, हम रिवाइवल कराएंगे। तो इसके आने से क्या हुआ ना, ये वॉलंटरी वाइंडिंग अप के प्रोविजन यहां से चले गए और रिवाइवल के प्रोविजन यहां से चले गए। आज की डेट में कंपल्सरी वाइंडिंग अप आईबीसी में तो हो सकता है, कंपनीज एक्ट में भी हो सकता है। मैं बताता हूं, कंपनीज एक्ट वर्सेस आईबीसी कैसे हो सकता है। कंपनीज एक्ट में ना सेक्शन 271 इसमें ग्राउंड्स दे रखे हैं आपके, इसमें क्या दे रखे हैं आपको, ग्राउंड्स दे रखे हैं। सबसे पहला ग्राउंड था कंपनी इज अनेबल टू रीपे इट्स डेट्स। दूसरा, कंपनी ने कुछ ऐसा काम किया है विच इज अगेंस्ट इंटीग्रिटी एंड सॉवरनिटी ऑफ इंडिया और वो है अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड फ्रेंडली रिलेशन विद
फॉरेन स्टेट इस ग्राउंड पे कंपनी वाइंडिंग अप हो सकती है। ये यहाँ पे क्या है, सरकमस्टांस दिए थे कि किस किस सरकमस्टांस में कंपनी वाइंडिंग अप हो जाएगी, कंपलसरी वाइंडिंग अप। तीसरा ग्राउंड क्या था, कंपनी एसआर पास करके रिजॉल्व करे कि हमें वाउंड अप होना है, एसआर पास करेगा कि हमें वाइंड अप करना है, ठीक है। चौथा, आरओसी क्या कहे कि कंपनी ने ना आरओसी एनसीएलटी को क्या बोले, या एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय सीजी, कंपनी ने ना फ्रॉड चल रहा है, यहां कंपनी वाइंड अप हो सकती है। उसके बाद कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न फाइव कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स तक नहीं फाइल की। छठा था जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड। तो आईबीसी के आने के बाद ना ये ग्राउंड यहां से हट गया। ये ग्राउंड हटके कहां चला गया, कंपनीज अनेबल टू रिपे इट्स डेट्स आईबीसी में। आज के टाइम में कंपनीज एक्ट में कंपलसरी वाइंडिंग अप इन ग्राउंड्स पे हो सकता है, और अगर कंपनी इज अनेबल टू रीपे इट्स डेट्स है तो पहले उसका रिवाइवल कराया जाएगा। अगर कंपनी रिवाइव नहीं हुई तो उसका लिक्विडेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसी को बोलते हैं कंपलसरी वाइंडिंग अप। एनसीएलटी क्या ऑर्डर दे देगा, लिक्विडेशन प्रोसेस का। ये आज के टाइम में सिचुएशन है आफ्टर आईबीसी ये सिचुएशन है। आपको मैं कुछ फैक्ट्स बताना चाहूंगा आईबीसी के आने के बाद। एक तो मैंने बताया आपको कि आईबीसी के आने के बाद हमारी रैंक 142 से 63 पे आ गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। आईबीसी के आने के बाद और क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि रिकवरी टाइम कम हो गया। आईबीसी के आने से पहले, प्रायर टू आईबीसी, आईबीसी के आने के बाद पहले रिकवरी टाइम अप्रॉक्सीमेटली 4 ईयर्स हुआ करता था, और रिकवरी रेट अप्रॉक्सीमेटली 20% के आसपास था, 20-25% या 26% के आसपास रिकवरी रेट था अप्रॉक्सीमेटली। आईबीसी के आने के बाद रिकवरी टाइम 1.6 ईयर्स हो गए, और जो रिकवरी रेट है वो कितना हो गया, 40-50%। इनफैक्ट ये तक देखा गया है कई केस में कि आईबीसी का प्रोसेस 300 दिन में खत्म हो गया। एक स्टडी में पढ़ रहा था, उसमें क्या लिखा था कि आईबीसी का कई केसेस में प्रोसेस 300 दिन में ही खत्म हो गया। तो ये कितना अच्छा जंप है। तो ये हमने देख लिया कि आईबीसी की नीड क्यों थी, आईबीसी के आने का फायदा क्या हुआ, हमारी ग्लोबल रैंक बढ़ गई, हमारा रिकवरी टाइम कम हो गया, हमारा रिकवरी रेट बढ़ गया। अब हम देख लेते हैं, थोड़ा हम समझते हैं कि पर्पज ऑफ आईबीसी क्या है। इसका पर्पस था कंसोलिडेट करना एग्जिस्टिंग इंसॉल्वेंसी लॉज एग्जिस्टिंग इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क बोल सकते हो इनटू सिंगल लॉ। दूसरा पर्पस क्या था कि रिकवरी हो जाए
इन अ टाइम बाउंड मैनर. क्रेडिटर्स कैन रिकवर देयर डेट्स इन अ टाइम बाउंड मैनर. क्रेडिटर्स को अपने डेट्स मिल जाए इन अ टाइम बाउंड मैनर. तीसरा इसका क्या था कि रिवाइवल ऑफ कंपनी हो जाए, रिवाइवल ऑफ कॉर्पोरेट्स हो जाए, क्योंकि पहले ऐसा कोई पर्सपेक्टिव ही नहीं था. पहले तो सीधा वाइंडिंग अप कराने की सोचते थे. चौथा इसका पर्पस था आने का कि इन ऑर्डर टू रिड्यूस दी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीएस को रिड्यूस करना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को रिड्यूस करना. और पांचवा इसका ऑब्जेक्ट था इजी एग्जिट टू कॉर्पोरेट्स, इजी एग्जिट टू कॉर्पोरेट्स, रिवाइवल ऑफ कॉर्पोरेट डेटर कर लो. ठीक है, तो ये इसके पर्पस थे. आईबीसी में ना एक तो रेगुलेटर है और एक रेगुलेटर्स हैं, एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज हैं. आईबीसी में रेगुलेटर है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीबीआई. और इसके अंडर क्या है, इसके अंडर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज हैं. इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज के अंदर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं और एक है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी. ये क्या बनाता है आईबीबीआई, एक तो रेगुलेट करता है और रेगुलेशंस बनाता है आईबीसी की. इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी कौन है, आईसीएसआई, आईसीएआई, आईसीएमएआई, ये क्या है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज हैं. इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कौन होते हैं, सीएस, सीए एक्सेट्रा. इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या है, यहाँ पे क्या होगी, सारी इंफॉर्मेशन होगी आईबीसी से रिलेटेड. इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम और डिटेल में पढ़ेंगे. यहाँ पे दो अथॉरिटीज है, एनसीएलटी और डीआरटी. एनसीएलटी हमारी कॉरपोरेट्स के लिए, बेसिकली कंपनीज और एलएलपी के लिए, और डीआरटी हमारी इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म्स के लिए. नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ रेगुलेटर्स से शुरू करेंगे. रेगुलेटर्स क्या है, इसमें आईबीबी क्या है, आईपीए क्या है, आईपी क्या है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या है. और नेक्स्ट क्लास में हम एनसीएलटी और डीआरटी के बारे में भी पढ़ेंगे. बाकी चीज़ें करते हैं अब डिस्कस नेक्स्ट क्लास में. नेक्स्ट क्लास में ज़रूर आना लेक्चर 2 में. ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू.